दूसरी बात जो मैं सिग्निफिकेंट बताना चाहूंगा, ऋषि सोनक साहब ने इंडियन जबान में ट्वीट किया, हिंदी में ट्वीट किया, यह सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और एक के बाद दूसरी साजिश, 3000 वीजा दिए हैं इंडियन प्रोफेशंस को, प्रोफेशनल्स को जो कि यूके जाएंगे और अपना प्रोफेशनली काम करेंगे। फ्रांस की तरफ से भी एक सिक्योरिटी पॉलिसी आई और उसमें उन्होंने जो है वो एक मरतबा फिर अमरीका की तरह इंडिया को जो है वो बड़ा क्लोज पार्टनर कहा। उन्होंने कहा जी हम भी रूस से तेल खरीदेंगे जिस रेट पे इंडिया तेल खरीदे। उस सरजमीन से हमें एक तोहफा मिला और हम उसे बेच कर खा गए। गैर मुल्की खातून सहाफी का ट्वीट और भारतीय सहाफी का वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल, इमरान खान ने अपने पास रखने के बजाय कोड़ियों के मोल बेच दिया। नाजरीन, ना सिर्फ यह बाईस शर्मिंदगी है कि इमरान खान ने तोहफा बेच डाला, नाम लेना मुनासिब तो नहीं था लेकिन चूंकि मेजर गौरव आर्या ने लिया था इसलिए मैं नाम ले ही लेता। अब कहा जा रहे हैं आप, आपकी मेरा ये क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? उसमें उसने कहा कि इमरान खान साहब ने क्या कामरान खान समझ रखा था सीएनएन वालों को? इवन के मैं समझता हूं कि हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं उन सबसे ज्यादा अगर कोई स्ट्रांग रिलेशंस में है तो वो सिर्फ इंडिया है यूरोपियन कंट्रीज के साथ और अमेरिकन कंट्रीज के साथ। और उनकी मुलाकातें मोदी साहब की, जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा है, G20 की जो समिट है वो भी चल रही है। अच्छा, उस समिट में साइडलाइंस पड़ी, यहाँ मुलाकातें हो रही है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ हमारे हमसाया मुल्क पीएम मोदी की मुलाकात हुई, फिर उनकी ऋषि सुनक के साथ मुलाकात हुई, फिर ऐसी और भी मुलाकातें चल रही है। तो इस सारे सिनेरियो पे मैं आपका कॉमेंट लेना चाहूंगी कि कैसे देख रहे हैं आप इसको, कि किस तरफ हम दुनिया जो है वो किस तरफ बढ़ रही है? अब मैं वो ऋषि सुनक साहब G20 में, आपने जो उससे सबसे बड़ी बात तो ये नहीं बताई कि G20 में उसकी प्रेसिडेंटशिप जो है भारत को। जी, इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट हमारे रीजन के लिए जरूरी था कि हमारे पड़ोसी जो है अब वो उसको एक साल को अपना पीरियड लीड करेंगे। दूसरी बात जो मैं सिग्निफिकेंट बताना चाहूंगा, ऋषि सोनक साहब ने इंडियन जबान में ट्वीट किया, हिंदी में ट्वीट किया, यह सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और दूसरा, ट्रेड की बातें उन्होंने ऋषि सोनक साहब से की और उनकी मुलाकातें मोदी साहब की, जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा है, आप अपने कपड़े जूते घर को खुद आग लगा रहे हैं, भारत जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नई मंजिलें तय करता जा रहा है। और दूसरा इसके, और आप जब आपकी मोटरवे बंद है, आपके 13-13, 12-12 साल के बच्चे अपने कपड़ों को और घर को आग लगा रहे हैं, और ये अभी शुरुआत हुई है, अभी वहां पे एक ट्रेड का, और जिस तरीके से वो उन्होंने 16 मिनिस्ट्रियों को इकट्ठा कर दिया है to make it attractive for the foreign investment, और यहाँ पे जो बैठे CEOs हैं American और कंपनियों के, वो सारे अपने प्लांट उठा के चाइना से भारत शिफ्ट होना चाहते हैं, अमेरिका इज वर्किंग विद देम, तो वो उस साइड पे जा रहे हैं। आपकी डायरेक्शन काबिल है, अमन बिन मारूफ है, एक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका कंट्री फ्रीज हो चुका है, फ्रीज। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होगी? और अपनी आपकी स्किल्स की सबसे नीचे तोशा खान की वीडियो निकल रही है, तोशा खाना है या खाना खराब।